त्रिशु, ओए त्रिशु, 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 आ जाओ। निश्चय हटो ना, मेरे पीछे आगे आगे क्यों आ रहे हो? त्रिशु, आ जाओ। पूरी मेहनत लगा रहा है, अस्ता भी कोई नहीं। निश्चय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने, शाम के टाइम से व्लॉग शुरू कर दिया है। और अभी ना मेरे को शॉप पे जाना था, तो शॉप पे जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो जो छोटे मोटे से अपनी तैयारियाँ है ना वो करके चलती हूँ, वरना फिर निश्चय को तो है ना आते ही भूख बड़ी ज़बरदस्त लगती है और घर में घुसते ही ये करने लग जाता है, मम्मा दे दो, मम्मा खाना कितनी देर में बनेगा, कितनी देर में बनेगा। तो आज उसको है ना खाने में पास्ता खाना था, 3 दिन से एक्चुअली मेरे को बोल रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता था कि फिर पास्ता बनाने का अलग से मन नहीं होता था। और शॉप से आने के बाद वैसे भी टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर थक भी जाती हूँ, फिर बिल्कुल मन नहीं करता कि सबके लिए अलग अलग कुछ बनाऊँ। तो आज मैं पहले से ही तैयारी करके जाऊँगी। प्याज भी काट के रख दिए हैं क्योंकि वो व्हाइट सॉस पास्ता खाएगा, उसमें टमाटो वगैरह तो चाहिए नहीं, ना कोई वेजिटेबल डलेगी। और ये मैंने यहाँ पे पास्ता को भी बॉईल करके, और अभी शाम को ही मतलब बॉईल करके रख जाऊँगी, बस आऊँगी जब इसको फटाफट से छोंक लगा के बना के व्हाइट सॉस पास्ता और इसकी इच्छा पूरी कर दूँगी। इसीलिए ना आज पहले ही तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर मन सा नहीं करता, जैसा मैंने बताया आपको। और भैया, आपको व्लॉग डेली देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को है ना एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करा करो वीडियो पे कि कौन कौन आया है, मुझे भी पता चले ना किस किस ने व्लॉग देखा है। आज की वीडियो की शुरुआत जो है ना मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन वेलकम जो है ना अभी कर रही हूँ। निश्चय बस भी कर ले, खर 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 खर। पता है क्या, इतने दिन से खांसी हो रही है, और ये होती क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँ। ठंडी चीज मतलब पी लेगा उसके ऊपर, पसीने के ऊपर, तभी इसको खांसी उठनी शुरू हो जाती है, सर्द गर्म बन जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। और अभी ना शॉप से आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आते ही व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, कल व्लॉग नहीं गया तो फिर ये कह देंगे देखने वाले, अच्छा एक ही दिन डाल के थक ली। और घर पे आई हूँ तो है मेरे लिए सरप्राइज, मेरी ऑल टाइम फेवरेट गोलगप्पे। भाई मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं, शायद और कोई अच्छी से अच्छी डिश भी इसके सामने फिक्की पड़ जाए, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और यही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जल्दी हमारे घर पे आती रहती है, वीक में एक दो बार तो मतलब आई जाती है। क्या देखो पीछे, बर्गर। अच्छा निश्चय के लिए बर्गर आया, फिर निकाल के स्लैब पे रख दिया, फॉइल वॉइल सब हटा के। पागल हो आप, स्लैब पे क्यों रखा, प्लेट पे रखते। अभी आया सुसु निकल गई, तो अभी आया, भाग गया वो। और खाने में आज जो है अभी सब्जी कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह बैंगन का भरता बनाया था, कल के वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो भरता जो एक कटोरी रखा है तो वो खाएंगे निश्चय के पापा, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं, दिन में वो खा नहीं पाए थे और वो बनाया स्पेशल उन्हीं के लिए था। और क्या दिखा रही थी, हाँ, और पास्ता बॉइल करके गई थी, प्याज व्याज काट रखे हैं, तो अब निश्चय के लिए मेरे को बनाना है व्हाइट सॉस पास्ता। और ये तो अब बर्गर खा लेगा तो इसका तो बस ऐसा ही है, तो चलो फिर है व्हाइट सॉस नहीं खाऊंगा, हाँ व्हाइट खाऊंगा। ये क्या है, लाल वाला बोल दिया। अच्छा आज अपना मुंह तो दिखा दे पसीनों में, देखो ये हालत हो रही है, ऐसे सड़ेला मुंह क्यों बना रखा। सुसु निकल गई थी, सुसु करने गया था, हाथ धोने भी गया था साथ में, हाथ धो लिए ठीक है। देखो यहाँ पे कौन पड़ा है, ये त्रिश कौशिक जी, इनको जो भी मिल जाता है ना ये वही खा लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी टम्मी फुल हो, खुश हो गया अपनी तारीफ सुन के। फुज्जू और ये नोजी में आऊ, मैं बोल रही हूँ मैं। और शाम को ना देखो, शाम को है ना मशीन लगा ली थी मैंने शॉप पे जाने से पहले, शॉप पे बस थोड़ी देर के लिए गई थी अभी, तो सारे के सारे कपड़े धो के गई थी, बस अब निश्चय के पापा की यूनिफॉर्म रहती है वो धो दूंगी, देखूंगी हाथ से धोऊंगी तो हाथ से धो दूंगी उसको, क्योंकि पानी थोड़ा सा मैला मैला सा हो गया है, क्योंकि सारे ही कपड़े धुल गए और यूनिफॉर्म तो जो है भाई वो थोड़ा साफ सुथरे अच्छे से ही पानी में धुलनी चाहिए। और अभी ना मोहल्ले में हमारे मतलब पड़ोस में वहाँ पे शायद घर कुनबा भी हो, मतलब मेरे को इतना नहीं पता, वहाँ पे लड़का हुआ है
किसी को, तो आज उनके वहाँ वो था नहान बार का प्रोग्राम, तो फिर वहाँ से पताशे आए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको है ना, ये खांड का डिब्बा था मेरे पास बूरा का, तो इसी में डाल देती हूँ। फिर चीनी का तो मतलब है तो मिठ्ठे का ही, क्या मांजूंगी इसको, क्या साफ़ करूँगी, और फिर ना सामने रखे रहेंगे तो चाय में या दूध में किसी ना किसी चीज़ में डाल के यूज़ हो जाएंगे, वरना फिर थैली की थैली में अगर मैंने बांध के उठा के रख दिया ना ऐसे कैसे, तो फिर ये रखे ही रह जाएंगे और रखे रखे पीले पीले ही हो जाएंगे, बाकी यूज़ नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने सामने के चक्कर में इनको डिब्बे में डाल दिया। आते ही अभी बाहर ना मतलब काम तो मेरा सारा हो गया, किचन का तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मसल मसल के रगड़ रगड़ के इतनी नौटंकी कि मेरे को सोना है, और मैं अंदर आ गई, मेरे एक बार के कपड़े धुलने रहते थे, फिर भी मैंने सोचा कि चलो पहले इसको सुला देती हूँ वरना परेशान कर देगा, किसी की गोदी में भी ढंग से नहीं बैठेगा। जैसे ही मैं पास से निकलूँ ना तभी ये करना शुरू कर दे। अब वो एक बार के कपड़े पड़े के पड़े रह गए, और ये भाई साहब देखो दूध दूध पी के और मज़े से खेल रहे हैं, और वो दूसरे भैया सो गए हैं, ये देखो इनको आ गई नींदी, और ये देखो ये मजे में अपना फुल, कोई कह देगा इसके आसपास भी नींद है, हैं? इतनी शरारते ना, ये वाला नहीं दूंगी हाथ में, ये नहीं दूंगी, और थोड़ी देर खेलने के बाद ना त्रिश को आ गई थी फिर नींद, तो मैंने अभी उसको दोबारा से फिर से फीड करा के और सुला दिया है। और टाइम देखो अभी कितना हो गया, 10:31 का टाइम है, मैं आपको दूसरे फ़ोन से टाइम ही दिखा रही थी। और ये वाली फ़ोटो है ना जी, देखो ये जो स्क्रीन पे वॉलपेपर है ये मुझे बहुत प्यारी लगती है बहुत। इस टाइम पर त्रिश ना लगभग 15-20 दिन का ही था जिस टाइम की ये फ़ोटो है। तो देखो रात के 11 बज गए हैं, और 11 बजे अपना कपड़े धोने लग रही हूँ, क्योंकि इतने अंदर से आई इतने फिर मशीन में तो कपड़े निकाले, सोफ़े के कवर जो है ना वो मशीन में डाल रखे थे लास्ट चक्कर था मतलब, और निश्चय के पापा के कपड़े ना फिर मैंने हाथ से ही रगड़ दिए थे, क्योंकि फिर मतलब गंदे से हो जाते, वो पानी अजीब सा हो रहा था, मेरा मन ना मानना था मतलब उस पानी में डालने का। और पर एक बात तो अभी देखो, अगर यही काम ना हम अपने मतलब मायके में जाकर कर रहे हो, या कवारी लड़की अपने घर में करती हो ना, तो मतलब मम्मी भी यूँ कह देगी, पापा भी यूँ कह देंगे कि ना रहन दे, रात में पागल हो रही है, कल कर लियो, सुबह कर लियो। पर वो बात है कि सासरे में मतलब बड़ा ही ना मिला कर, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, है ना। और मेरी इस बात पर कौन कौन सहमत है कमेंट ज़रूर करके बताना। मेरे ख्याल से कोई एक आधी कोई किस्मत वाली होती होगी जिसने मिलती होगी, और किसी की तो किस्मत ऐसी हो जाए जिसने भाई बिना करे भी मिल जा, है ना। पर भाई देखो मेरी तो इतनी अच्छी है कौन इस मामले में किस्मत, बाकी हाँ बाकी बहुत बढ़िया किस्मत है न्यू कोस्ती कौन में अपनी किस्मत ने, भाई मेरी किस्मत ऐसी वैसी, पर हाँ यो चीज़ ना है। और बाकी मेरे भी इन चीज़ों का कोई फ़र्क भी कौन पड़ता कि भाई कोई के का होगा या कोई किसी ने कुछ कह देगा मेरे बारे में, दो आदमी के कह देंगे, चार लुगाई के कह देंगे, क्योंकि मन्ने तो कोई फ़र्क पड़ता है कौन इस चीज़ से। मैं तो अपने काम में सारा दिन मस्त रहूं, बिजी रहूं, और शाम ने थक हार के 11 बजे से पढ़कर सो जाऊं, और फिर 6 बजे फिर उठ जाऊं, है ना। और कुछ लोग यूँ सोचते होंगे कि बात करते करते कैसी लैंग्वेज में आ गई, तो भाई देखो मेरी तो दोनों ही लैंग्वेज है, घर में भी मेरी यही दोनों हैं, जब बच्चों से बात करूँ तो मतलब हिंदी में बात करा करूँ, और जब मैं और निश्चय के पापा आपस में बात करें तो फिर जैसे अब बात कर रही हूँ ना इस वाले टोन में बात करा करूँ। तो मन सोची कि चलो अपनी भी भाषा एक बार सुना दूँ, क्योंकि कुछ लोग यूँ कहते हैं प्रियंका दी आप घर में भी सारा दिन हिंदी बोला करो। और ये देखो भाई जिनको हम सुला के गए थे ना बाहर, शुक्र है मैं टाइम पे आ गई, अभी उठाया ये, और अभी मैं आ गई, और जैसे ही मैंने आके लाइट ऑन करी है तो निश्चय को उठाने के चक्कर में पूरा कि कैसे ना कैसे करके मतलब इसको उठा दूँ। मैंने सोचा चलो एक बार आपको दिखा दूँ, थोड़े दिन बाद ये भी देखा करेगा मैं कितनी शरारतें करता था, भाई को कितना परेशान करता था, है ना, वरना फिर कह देगा नहीं मम्मा मैं तो कुछ नहीं करता था। अब ये रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें अपने आप देख लेंगे दोनों के दोनों क्या क्या करते थे। और निश्चय को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि निश्चय की नींद बहुत गहरी है बहुत ज़्यादा। बाकी आपको लैंग्वेज मेरे मुँह से कौन सी अच्छी लगती है ना वो भी कमेंट ज़रूर कर देना, फिर वैसे ही बात कर लिया करूँगी मैं तो। गुड मॉर्निंग, ये देखो दोनों बच्चे सो के उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग कर दो त्रिशु, गुड मॉर्निंग, अरे वो कर दी गुड मॉर्निंग, निश्चय आप भी करो गुड मॉर्निंग, ये क्या है गुड मॉर्निंग, हेलो क्या
रिश्ते को है ना स्कूल छोड़ आई हूँ स्टैंड तक, और रिश्ते के पापा को आज जाना नहीं था और अचानक से उनका फोन आ गया, उनको भी जाना पड़ा। तो बस अभी इसको सोच रही हूँ कि पहले निन्नी निन्नी करा दूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बाकी उनको खिला पिला के भेज दिया है लंच दे के। निश्चय के पापा लंच लेके नहीं जाते, निश्चय का ही बनाना होता है सिर्फ टिफिन, तो मुझे सारी बात बता देगा और देख के लग नहीं रहा भाई। भाई साहब को निन्नी निन्नी भी आ रही है। अच्छा और ये बताना त्रिश के जो फीचर्स हैं वो किससे मैच करते हैं, मेर से, निश्चय से या निश्चय के पापा से? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट कर दो, बोलो 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 बोलो। तीजी तीजी ती प्यारी तीजी, कंफ्यूजन। और अभी ना दोपहर के मतलब खाने के लिए मैंने सब्जी छोक दी है, फटाफट सुबह का काम निपटा के, और साथ साथ ना मैं सब्जी छोक ही देती हूँ ज़्यादातर। कभी कभार मतलब ये होता है कि बाद में बनाऊँ दोपहर के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे फिर ये हो जाता है कि मैं फ्री होके फिर अपना कोई भी काम कर सकती हूँ। अगर मेरा 10 बजे काम निपटा है या 10:30 निपटा है या 11 निपटा है तो मतलब ये फ्री हो जाती हूँ कि चलो 12-12:30 बजे तक मैं फ्री हूँ, तो इसलिए साथ साथ ना सब्जी भी बना देती हूँ। और सुबह तो निश्चय को आज मैंने दिया था आलू का पराठा लंच में, और अभी फिर सब्जी की ज़रूरत नहीं थी निश्चय को मतलब पराठे के साथ में, इसलिए लेट ही बना रही हूँ, सुबह नहीं बनाई कोई भी सब्जी। तो सब्जी बनी आज टिंडे की, और टिंडे की मैंने तो बहुत दिन बाद सब्जी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा दिन बाद, तो मैंने सोचा चलो बिल्कुल सूखी सूखी सी ही बना लेते हैं। पानी मैंने है ना बिल्कुल भी नहीं ऐड करा अभी इसमें, ये जो पानी है ना ये खुद मतलब टिंडे का ही है। तो अभी इसको अभी ना मैं वीडियो एंड करने जा रही थी, क्योंकि उससे पहले ना व्हाट्सअप चेक किया तो व्हाट्सअप पे एक मैसेज आया हुआ था, जो आरती है ना जबगढ़ से, मोनू आरती के नाम से कमेंट करती हैं, तो मुझे लगा चलो वो भी मैं आज की वीडियो में दिखा देती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर जो भी मतलब आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होता है कि वीडियो में ये दिखाना या वीडियो में इसके बारे में बताना या कोई भी आपकी क्वेरी होती है ना, तो प्लीज़ उसका जो आप क्वेश्चन ना वो व्हाट्सअप पे मत भेजा करो कि ये बता देना वो बता देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मन सोचना कि आप व्हाट्सअप पे भेजते हो तो भी मुझे बुरा लगता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि, और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सच में किसी का ऐसा कमेंट आया था। अब आप वीडियो की बात और व्हाट्सअप पे पूछते हो मुझसे, नहीं आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दिया करो, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, हर किसी को जवाब भी देती हूँ, और अगर रिप्लाई में नहीं भी बता पाई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर दूँगी। तो इन बहन का तो व्हाट्सअप पे ही मैसेज आया था, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो में ही बताया करो। क्या कमेंट आया था मेरे पास किसी ने, तो आप ये देख लो, इन्होंने ये पूछा था कि ये जो त्रिश की एक फीडर बोतल दी थी आपने ली थी, इसका रिव्यू देना कि ये कैसी काम आ रही है आपके और कैसी नहीं। त्रिश जो है ना अभी फीड करके और वो सोया ही है बस, तो इसलिए थोड़ा सा दूध उसका इसमें है भी अभी। तो अभी इसमें मैंने क्या फिल कर रखा है वो मैं आपको बताऊँगी। ये दूध और बिस्किट का घोल बनाती हूँ मैं, इसमें जो आटे वाले बिस्किट होते हैं ना वो वाले बिस्किट खाते हैं वो, पतंजलि वाले, 2 बिस्किट डालती हूँ थोड़े से दूध में, जैसे अगर इतना दूध है आधा बोतल तो 2 बिस्किट डालती हूँ और इसमें घोल सा बना के डाल देती हूँ, वो आराम से पी लेता है। ये जो इसकी यहाँ पे ये स्पून आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, और वो देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, ऐसे ही जैसे आप करोगे ना, देखो स्पून पे आ गया ना, तो बच्चे के मुँह में ऐसे धीरे 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 आता रहेगा ऐसे, ठीक है। त्रिश को बहुत तेज़ नींदी आ रही थी क्योंकि वो नहा चुका था, तो नहाते ही वो सो गया, थोड़ा सा उसने छोड़ दिया, मतलब एक बार का उसने फिनिश कर लिया था, फिर दोबारा भी डलवाने की जिद कर रहा था करके, तो मैंने इतना ही डाला था और वो इतना छोड़ के पीते पीते ही सो गया। बोतल कैसी है वो मैं आपको अब बता देती हूँ, देखो यहाँ से ये बोतल खुलती है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना ये है प्लास्टिक की, ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो जो बोतल है वो है सिलिकॉन का, ये प्लास्टिक की ये सिलिकॉन की। सबसे बेस्ट बात इसकी ये लगी मुझे, क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल में है ना उसमें हम 1-2 घंटे के लिए भी बच्चे का खाने पीने की चीज़ जो है नहीं डाल के रख सकते अगर उसने छोड़ दिया तो। ये सिलिकॉन वाली में आप रख सकते हो, क्योंकि अगर इसमें हल्का फुल्का निवाया भी आपने डाल दिया ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है प्लास्टिक के, मतलब प्लास्टिक में तो आपको पता ही है कि गर्म चीज़ डालना बहुत सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और दूसरी बात कि ये मेरे बहुत अच्छे काम आ रही है, बहुत अच्छे, एक जो कटोरी चम्मच वाला जो मेथड होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी एक भी चीज़ नहीं खिलाते हम उसको कटोरी और चम्मच की हेल्प से। जैसे मान लो बनाना कोई प्यूरी बना के कभी खिलाते हैं हम, तो इसमें ही फिल कर देती हूँ, ठीक है, चाहे मम्मी खिला दे चाहे मैं खिला दूँ, मतलब हम दोनों ही खिला देते हैं इससे, दूध बिस्किट खिलाया तो इससे,
और सूजी की खीर बनी है पतली पतली, तो इससे सारी चीजें इससे खा लेता है। ठीक है, मेरा कूड़े वाला आ गया भाई, रुक जाओ। रिव्यू शायद आपको समझ आ गया होगा कि बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, अगर लिंक चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको दे दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। और अब बस मैं नहाने जा रही हूँ, सारा काम मैंने निपटा दिया है।